गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रेड वन मैथ्स चैप्टर फोर एडिशन। चैप्टर फोर है एडिशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ एडिशन, एडिशन का मीनिंग क्या है। तो एडिशन हम लोग किसको कहेंगे, एडिशन मीन्स काउंटिंग द टोटल। एडिशन मतलब क्या हो गया कि टोटल काउंटिंग नंबर को हम लोग ऐड कहेंगे, एडिशन कहेंगे, ठीक है। नाउ इसका जो सिंबल होता है, एडिशन का एक सिंबल होता है जिसका सिंबल होता है प्लस का साइन। ये सिंबल आपको दिखाई गया, ठीक है। ये क्या है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। ये एडिशन का सिंबल होता है। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, रियान है, रियान के पास कितने एप्पल है, 3 एप्पल्स है। विवान के पास कितने एप्पल्स है, 2 एप्पल पे, है ना। तो ये विवान ने क्या किया, 2 एप्पल इनको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 3 + 2 कितने हो गए, 5, है ना। मीन्स इनके पास टोटल रियान के पास कितने हो गए, 5 एप्पल्स हो गए, ठीक है। 3 इनके पास था, 2 इन्होंने दिया, तो कितने हो गए टोटल, 5 एप्पल्स हो गए, ठीक है। नाउ तो ऐसे हम लोग जो है कोई भी 2-3 ऑब्जेक्ट कोई भी को लेंगे, ठीक है, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं वर्कशीट। यहाँ पे देखिए वर्कशीट से आप लोग को और अच्छे से समझ आएंगे, है ना, समझ में। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 फ्लावर्स हैं, यहाँ पे कितने, 2 फ्लावर्स हो गए, है ना। तो 4 फ्लावर्स और 2 फ्लावर्स ये दोनों को एक साथ कर दिए तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लावर हो गए टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है ये 1 दिखाई पड़ रहे हैं आपको, है ना, 1 डॉग है, है ना। और यहाँ पे जो है 2 है, तो यहाँ पे आपको टोटल कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉय बस जो है यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, तो आपको काउंट करके यहाँ पे 3 लिखने। देखिए यहाँ पे कितने, ओनली 1, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 और ये 1, तो देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे आंसर 4 है, ठीक है। एज इट इज़ आप लोग जो है जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरने हैं आप लोग काउंट करके फिलअप करोगे, ठीक है। इसमें भी जो है आपको क्या करने, फिलअप करने, ठीक है। यहाँ भी आपको देखिए कितने बॉल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 आपको लिखना है। और यहाँ पे आपके पास कितने बॉल हैं, कुछ नहीं है, है ना, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखना है। तो 6 + 0 यहाँ पे देखिए 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स कोई भी चीज़ को अगर हम लोग 0 से प्लस करेंगे, 0 मीन्स कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से एनी नो एनीथिंग, तो हम लोग प्लस करेंगे कोई भी नई चीज़ से तो क्या होगा, एज इट इज़ होगा जितने पहले थे, ठीक है। तो आप लोग इस वर्कशीट को जो है यहाँ तक कंप्लीट करोगे, काउंट करोगे, काउंट करने के बाद ये दोनों को प्लस कर लोगे, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट वर्कशीट में है एडिशंस है। यहाँ पे देखिए आपको एडिशंस, वर्टिकल एडिशंस, है ना, जो हम लोग सीधे जो खड़े एडिशन लेंगे इसके हम लोग वर्टिकल एडिशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 लाइन खींच लेने, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन ड्रॉ की। फिर 3 है तो 3 लाइन और ड्रॉ कर ली, 1, 2, 3। अब यहाँ पे टोटल काउंट कीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 हो गए, है ना। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 है, तो आपने 1, 2, 3 लाइन हमने ड्रॉ किया। फिर 2 है तो 1, 2 लाइन ड्रॉ किया। अब टोटल कितने हो गए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 है, तो आपको 6 लाइन खींचने हैं, 6 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 और, आप टोटल काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 7, तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है, ठीक है। तो आप जो है इस वर्कशीट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल एडिशंस आ गए, है ना। हॉरिजेंटल वहाँ पे हम लोग का क्या था, ए में वर्टिकल था, सीधा खड़ा था, यहाँ पे क्या है हॉरिजेंटल है ना, दिस टाइप, ठीक है। तो यहाँ इसे हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल एडिशन, जो हम लोग पूरे सीधा में करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 है, तो 4 लाइन खींचेगा, 1, 2, 3, 4। फिर 3 है तो 3 हम लोगों ने नीचे खींच लिया, 1, 2 and 3, तो टोटल काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर है। यहाँ पे देखिए 3 है, तो आप 3 लाइन ड्रॉ कीजिए, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 3 और ड्रॉ कीजिए, 1, 2, 3, अब टोटल काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आपका आंसर 6 हो गया, ठीक है। तो एज इट इज़ जो है आप ये पूरे वर्कशीट्स को कंप्लीट
करेंगे, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर लाइन दिया गया, एट द नंबर नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन्स को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो आप 2 के पास आ जाइए। हमने यहाँ पे 2 के पास पहुँच गया, फिर प्लस है ना, हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया, यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 स्टेप आगे जाने, देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, 5 पे, 1 2 3 स्टेप 3 स्टेप पे पहुँचे हम लोग, तो 2 से आप जो है 3 स्टेप जब बच जाएंगे तो आप 5 पे पहुँच जाएंगे। एज इट इज़ यहाँ देखिए 4 प्लस 4 है, यहाँ पे आप 4 पे आ जाइए, अब 4 से आपको कितने स्टेप जाने हैं, प्लस 4 स्टेप, तो 1 2 3 4 स्टेप है ना, 4 स्टेप में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तो ये 4 से आप यहाँ तक कर दिए है ना, कितने स्टेप हम लोग पहुँचे, 4 स्टेप, तो प्लस 4 स्टेप, ठीक है। 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया है ना, हम लोग यहाँ पे 8 लिखते हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको जो है बाकी सबको ऐसे ही आपको ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करके आपको नंबर लाइन से एडिशंस करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए, सीन हैज़ 2 कैंडीज, सीन के पास 2 कैंडीज हैं, रेन गेव हिम 3 मोर कैंडीज, रेन ने 3 और उनको दे दिए, किसको, सीन को, तो हाउ मेनी कैंडीज डज सीन नाउ, सीन हैव नाउ, तो आपके टोटल सीन के पास कितने कैंडीज हो गए, तो 2 उनके पास थे और 3 रेन ने दिए, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गए, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे सीन हैव 5 कैंडीज, ठीक है। नेक्स्ट है एनया हैज़ 1 बुक एंड विवान हैज़ 4 बुक्स, टोटल एनया के पास 1 बुक है और विवान के पास 4 बुक्स हैं, तो टोटल हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने बुक्स हो गए, 1 प्लस 4, तो देयर आर टोटल 5 बुक्स है ना। नाउ यहाँ पे 2 बॉयज वेयर प्लेइंग इन ए पार्क, 2 बॉयज जो है एक पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है, और 5 मोर बॉयज ज्वाइंट देम, 5 और लड़के उस खेल में शामिल हो गए है ना, ज्वाइन कर लिए, तो हाउ मेनी बॉयज आर नाउ देयर इन द पार्क, तो अब पार्क में टोटल कितने लड़के हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 पहले से थे 2 बॉयज और प्लस ना ऐड करेंगे, 5 और बच्चे आ गए, 5 मोर बॉय ऐड हो गए, ज्वाइन हो गए, तो 5 प्लस, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो देयर आर 7 बॉयज इन द पार्क, तो टोटल कितने हो गए, 7 बॉयज हो गए पार्क में। नाउ नेक्स्ट अभी बाउट 3 टॉयज, अभी ने 3 टॉयज खिलौने खरीदे फॉर रेयान के लिए एंड 4 टॉयज फॉर सीन के लिए, और 4 टॉय वो सीन के लिए खरीदे है ना, अभी ने 3 खरीदा रेयान के लिए और 4 खरीदे सीन के लिए, तो हाउ मेनी टॉयज डिड अभी बाय, तो अभी ने टोटल कितने खिलौने खरीदे, हाउ मेनी टॉयज अभी बाउट, तो 3 रेयान के लिए एंड 4 सीन के लिए, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो अभी ने कितने खरीदे, अभी अबाउट 7 टॉयज है ना। फिर यहाँ पे है 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज 3 मोर देन 6 है ना, व्हाट इज 3 मोर देन 6, 6 में जो है हम लोग 3 और प्लस करेंगे, 3 और ज़्यादा कितने होंगे, 6 में अगर हम लोग 3 और ज़्यादा ले ले तो कितने होंगे, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप जो है इस वर्कशीट को अपने नोटबुक पे राइट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नाउ यू ऑल ऑफ यू राइट एंड लर्न इन योर नोटबुक, थैंक यू।